नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के पेड़ को फुल पेड़ को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड़ को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8600906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं 7860906089 पे। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस का फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, है ना, तो आपको पता होना चाहिए वेदांग के 6 हैं, है ना। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो ये तीनों इसमें इंक्लूड है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में कृषि करना शुरू कर दिया था, तो ये गलत हो गया क्योंकि नव पाषाण काल में किया था, ठीक है। और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य वाला पूछा है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है। वाराहमिहिर, बृहत कथा कोश, हरिशयन, लीलावती, भास्कर, बृहत संहिता, आर्यभट्ट, पंच सिद्धांतक। देखिए, ये सारे ही यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि वाराहमिहिर की है आपकी बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है, ये दोनों ही वाराहमिहिर की हैं। इसके अलावा जो आर्यभट्ट की बुक है एक, जिसका नाम है आर्यभटिया, ठीक है, ये बड़ी फेमस बुक है आर्यभट्ट की। इसके अलावा हरिशयन है जो, उनकी बुक का नाम है बृहत कथा कोश, ये वाली, ठीक है। और भास्कर की है लीलावती, ठीक। तो ये सारे ही यहाँ पर गलत हैं, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, भारत में आने वाले यात्रियों को उनके आने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपके फाहियान आए, कब आए? 399 से 414 ईस्वी, ठीक। उसके बाद कॉस्मोस आए 530 से 550 ईस्वी, और हुएनसेंग आए आपके 629 से 643 ईस्वी, और इत्सिंग आए आपके 671 से 675 ईस्वी, ठीक। तो ये सभी सही क्रम में ही लगे हुए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, सिंधु सभ्यता में धार्मिक तत्व की उपस्थिति थी, है ना, मौजूद थे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हड़प्पा से प्राप्त एक सील पर 3 मुख हड़प्पा से प्राप्त, ठीक, हड़प्पा से 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, तो इसमें ये हड़प्पा से नहीं मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेह लेता है। हीनयान, ये कहाँ पे फैला हुआ है इनका? श्रीलंका और बर्मा में, तो सही है, है ना। और महायान का चीन और कोरिया में, और जो तीसरा है वज्रयान, ये आपको बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है वहां पर इनका प्रसार मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही सही उसमें लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए, अशोक का जो 12वां अभिलेख है उसमें राजाओं व अधिकारियों को प्रजाहित में सोचने का आदेश दिया है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया है, तो वैसे तो सही है लेकिन ये 10वां है, ठीक, बाकी ये स्टेटमेंट पूरा सही है, तो 10वां अभिलेख होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अशोक का जो 10वां अभिलेख है उसमें धम्म महामात्रों, स्त्री महामात्रों और दूसरे वर्गों अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा की है, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब 12th में किया है, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए गए, ठीक, तो आंसर हो जाएगा नन, ठीक। अगला देखिए, भारत में विदेशियों के आगमन का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आर्य आए, ठीक, उसके बाद यूनानी, फिर शक, फिर हून और फिर टर्किश, ठीक, तो ये सब सही क्रम में ही लगे हुए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुदर्शन झील का निर्माण है जो रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था, तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि निर्माण की बात हो रही है, ठीक है, तो निर्माण है जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार के नियुक्त राज्यपाल, क्या नाम था उनका? पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, इन्होंने करवाया था। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जीर्णोद्धार के लिए फेमस है आपके रुद्रदमन प्रथम, ठीक, तो ये मिसमैच्ड है आपस में, आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत है।
अगला देखिए, भारत भ्रमण पर आए यात्री किस काल से संबंधित है? देखिए अब्दुल रज्जाक हैं जो वो देवराय टू के टाइम पर आए थे, इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, ठीक दोनों ही सही हैं, और फ्रांसिस बर्नियर हैं ये मुगल काल में आए थे, ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं, आंसर डी हो जाएगा। अब बुक्स का मैच करिए, देखिए कल्याण की कौन सी है राजतरंगिणी, नक्शबी की कौन सी है कोकशास्त्र, और विघ्नेश्वर की मृतक्षरा, और फकीरुल्ला खान की राग दर्पण, ठीक तो ये चारों ही यहाँ पर सही मैच है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, बर्नियर ने या कनिंगम ने? तो देखिए ये है बर्नियर ने किया है, इसमें अपने यात्रा वृत्तांत की में इन्होंने 12 साल की बालिका का सती होने का जो मार्मिक चित्रण है वो प्रस्तुत किया, और ये उन्हें लाहौर में देखने को मिला, ठीक लाहौर में घटना है, ठीक ये क्वेश्चन भी बनता है अपने आप में, ठीक आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेते हैं? देखिए बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी सही है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ये भी सही है, चाहर चमन है जो ये चंद्रभान ये भी सही है, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए, कथन महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और कारण है उसका कि उसका लक्ष्य भारत में लूटपाट करना था, ठीक है तो ये कारण भी इसका सही है, और इसको जस्टिफाई भी कर रहा है ना। एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि उसका एम है जो वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन को स्थापित करना कभी भी नहीं था, ठीक है तो ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कारण में अगर वो लिख दिया जाए कि स्थापित करना था तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है तो दोनों ही यहाँ पर सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मीराबाई हैं जो वो राजस्थान से हैं, सूरदास आपके उत्तर प्रदेश से हैं, और जो चैतन्य हैं वो आपके बंगाल से हैं, ठीक तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, और पहला सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आयन अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और दूसरा देखिए बहाउद्दीन जकारिया है जो ये कादरी सिलसिला से जुड़े हुए हैं, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि बहाउद्दीन जकारिया है जो वो सुहरावर्दी सिलसिला से जुड़े हुए हैं, ठीक है तो सुहरावर्दी आंसर हो जाएगा इसका, ओनली वन ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अलवार है जो वो विष्णु भक्त होते थे और नैनार है जो वो शिव भक्त, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा देखिए, अलवार और नैनार ये दोनों परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल नहीं है, ठीक तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में महिलाओं की उपस्थिति मिली है, और अलवार के अगर एग्जाम्पल दें तो वो हो जाएंगे आपकी अंदाल साध्वी, और अगर नैनार का एग्जाम्पल दें तो वो हो जाएंगे करईकल्लन अम्मैयार, करईकल्लन अम्मैयार, ठीक है तो ये दोनों ही यहाँ पर ये मौजूद हैं, तो यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित है? सही वाला पूछा है, देखिए द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य गलत हो गया क्योंकि द्वैताद्वैत निम्बार्क का है, 13th सेंचुरी में इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का ये भी 13th सेंचुरी में आया था, और द्वैतवाद है जो ये रामानुजाचार्य का नहीं है, रामानुजाचार्य का क्या है विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक और द्वैताद्वैत है मध्वाचार्य का, मध्व ठीक, और एक और बचा शंकर, ठीक शंकराचार्य का वो क्या है अद्वैतवाद, ठीक तो ये सभी गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को हुई थी, ठीक तो ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे राधाकांत देव, ठीक दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है जो वो किसका है जस्टिस रानाडे का? नहीं तो ये गलत हो गया क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से फिरोजशाह मेहता एसोसिएटेड है, ठीक उसके बाद मद्रास महाजन सभा है जो वो किसका है, मद्रास महाजन सभा आपका वी राघवचारी, वी राघवचारी, ठीक और तो ये भी गलत हो गया, और इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी तो ये भी नहीं, इंडियन एसोसिएशन है जो वो है एस एन बैनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक तो ये तीनों यहाँ पर गलत हो गए, आंसर डी हो गया इसका, ठीक। अगला देखिए, इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कथन है, इसमें दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के विरुद्ध अभियान चलाया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है और दूसरा देखिए,
1886 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। 1876 में एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। कब की थी? 1876 में, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में बताना है आपको कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दो मुख्य उद्देश्य थे, एक था आपका शिक्षा में प्रयोग करना और दूसरा था आपका सत्याग्रहियों के परिवार को आवास देना और उन्हें जीविका निर्वाह का एक साधन देना, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और पता होना चाहिए कि टॉल्स्टॉय फार्म है जो 1910 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये 1913 तक सक्रिय रहा, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। सही स्टेटमेंट है। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एस एन बनर्जी ने। तो ये गलत हो गया क्योंकि डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ये वाला दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर सही है। और एक चीज़ और बताऊँ चाहिए कि कहाँ पर हुई थी? बम्बई में ग्वालियर टैंक में, गोकुल दास तेजपाई संस्कृत कॉलेज था वो, जहाँ पर पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो ये वाला आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार। लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन को जाना जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसका था खुदाई खिदमतगार? ये था खान अब्दुल गफ्फार खान का, और इसको सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने अहिंसा को सर्वोपरि मानते हुए स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये स्टेटमेंट भी सही। दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व करता सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थान से सही सुनने लेता है? तमिलनाडु सी राजगोपालाचारी थे तमिलनाडु से जिन्होंने नेतृत्व किया, तो सही स्टेटमेंट है। मालाबार से के कलप्पन, ये भी सही है। और उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है, तीनों ही याद रखने हैं आपको, आंसर हो जाएगा डी। अगले देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करें। देखिए, ये गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था जो 1942 में शुरू हुआ है। पहला कौन सा था? एमसीएम। दूसरा था आपका सीडीएम। तीसरा हो गया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। और उषा मेहता ने दिल्ली में भूमिगत कांग्रेस रेडियो शुरू किया था, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो मुंबई में शुरू किया था, दिल्ली में नहीं किया था। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, है ना, कौन सी? सूर्य सेन जिसके संस्थापक थे वो कौन सी थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक। तो ये सही है। इस संस्था के संस्थापक सूर्य सेन थे जो मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे, ठीक। दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 9 डिग्री चैनल है जो वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि 8 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री है जो वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। तो देखिए, 8 डिग्री है जो वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, तो ये दोनों ही आपस में मिसमैच्ड है, ठीक। तीसरा देखते हैं, मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो ये आपस में किस जगह पर काटती हैं? ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी सही है, बाकी दोनों गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरावली हो गई, धारवाड़ हो गई, कुड़प्पा हो गई, विंध्यान संरचना हो गई, ये सब प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से संबंधित हैं, तो ये सही है। दूसरा, अरावली, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यास, ये भारत के भूभार्विक स्थलाकृतियों का सही क्रम है ना, तो पहले अरावली, फिर उसके बाद धारवाड़, फिर उसके बाद कुड़प्पा और फिर विंध्यास, ठीक। ये अलग से लगवाने को भी पूछा जाता है कि इनको आप अरेंज कर दीजिए, ठीक। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? बालाघाट पश्चिमी भारत में है, तो ये वाला गलत है क्योंकि वो मध्य भारत में है, मध्य भारत। और पटकई बम आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी सही है, मैप में एक बार जरूर लोकेट कर लीजिएगा। जावड़ी हिल्स आपकी ईस्टर्न घाट्स में है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं? इंद्रावती, हेमवती और अर्कावती। तो आपकी जो इंद्रावती है वो कावेरी की नहीं है, वो आपकी गोदावरी की है, ठीक है। और जो हेमवती और अर्कावती, ये दोनों कावेरी की नदियां हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, यानी बी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, सही है। कृष्णा आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है, ये भी सही है। और महानदी सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। ठीक, तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कोपल की जो पद्धति है उसके हिसाब से सी डब्ल्यू जी ये कौन सा है? सी डब्ल्यू जी है आपका गंगा का मैदान अरुणाचल प्रदेश, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, या फिर तमिलनाडु का समुद्री तट। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा का मैदान, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश वाला है जो, इसको डी एफ सी से डोनेट किया है कोपन ने। और गंगा के दक्षिण में भारत का जो पश्चिमी तट है, इसको किस चीज से किया है? इसको किया है ए एम डब्ल्यू, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये पूछने को आ जाती है। इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, एक पूछ लेते हैं कोई सी कि इनमें से कौन सा है, ठीक। और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसके लिए ए एस ये वर्ड यूज किया गया, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश के भाग और कर्नाटक के भाग में लौटते हुए मानसून, मतलब कि रिट्रीटिंग मानसून की वजह से यहाँ पर बारिश होती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और भारतीय उपमहाद्वीप का यह भाग उत्तर पूर्वी पवन तंत्र द्वारा प्रभावित होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, नॉर्थ ईस्ट विंड सिस्टम की वजह से अफेक्टेड होता है, ठीक। दोनों ही यहाँ पर सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक होती है, तो ये सही है। दूसरा देखिए, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपण होने वाली जो नई जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि उसको खादर कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हिमालय क्षेत्र में लगभग 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले कौन से वन पाए जाते हैं? साल, ब्लू पाइन, स्प्रूस या चीड़? तो आंसर हो जाएगा चीड़, ठीक है। और साल आपका ये तो ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है ना, 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ब्लू पाइन और स्प्रूस है जो, इन ये मिलते हैं आपके 2225 से लेकर के 3078 मीटर की हाइट पर, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% क्या है? ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है ना, दोनों की अगर मिलाकर बात करते हैं तो 24.56% है। और वर्तमान समय में भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.67% क्या है? वन अच्छा देता है, ठीक। तो बचा हुआ ट्री कवर हो जाएगा है ना दोनों में, जब 24.56 में से 21.67% माइनस करेंगे तो 2.89% आएगा जो वो आपका ट्री कवर हो जाएगा, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित जल विद्युत शक्ति केंद्र हैं जो, उनको उनकी नदियों के साथ मिलान करना है। देखिए, श्रीशैलम है जो ये कृष्णा नदी पर है, सबरागिरी पंबा नदी पर है, हीराकुंड आपका महानदी पर, और सेलुरु सेलुरु नदी पर है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भाखरा नंगल सतलज नदी पर है, सही है। हीराकुंड आपका महानदी पर, और टिहरी डैम अलकनंदा पर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि टिहरी डैम है जो वो भागीरथी पर है, ठीक। तो पहला और दूसरा सही, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय श्रम गहन नगदी फसल है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, गन्ने की फसल से सुक्रोज प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही। तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, ऊनी वस्त्र लुधियाना में, ये सही है, पंजाब में है ना। सूती वस्त्र दावणगेरे, यानी कि ये है आपका कर्नाटका में, ठीक। और रेशमी वस्त्र है जो वो सुअलकुची, यानी कि असम में, ठीक। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही सुमेलित है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये रसायन की हो गई, सही है। बालको है ना भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये एल्युमिनियम से रिलेटेड है, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर सही सुमेलित हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जिप्सम राजस्थान में, तो राजस्थान में लगभग 80% भंडार हैं जो जिप्सम के रिजर्व्स हैं वो राजस्थान में मिलते हैं। उसके अलावा ग्रेफाइट आपका अरुणाचल प्रदेश में लगभग 37% के आसपास रिजर्व्स हैं जो ग्रेफाइट के अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। और आपका निकेल है जो वो उड़ीसा में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि निकेल के 93% के आसपास रिजर्व्स हैं वो आपको, निकेल के जो रिजर्व्स हैं वो उड़ीसा में मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कोराड़ी विदर्भ क्षेत्र का मुख्य थर्मल पावर प्लांट है, तो ये सही है। और ये कहाँ है? विदर्भ क्षेत्र में नागपुर में स्थित है, ठीक, तो ये भी सही है। दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये जो रेलवे डिविजन है उनके हेडक्वार्टर्स के साथ आपको मैच करना है। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर और नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, ठीक। तो ये सारे ही सही मैच हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, इनमें से कौन सी जनजाति यानी कि ट्राइब्स हैं और ये अपने राज्य के साथ सही सुमेल लेते हैं? देखिए, लेपचा सिक्किम से है, सही है। खरिया है जो, ये आपकी उड़ीसा से है ना, और कोली आपकी महाराष्ट्र से, ठीक। तो ये तीनों ही सही सुमेल लेते हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये लेपचा तो फेमस है, ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूस्खलन का कारण प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों हो सकता है, भूस्खलन है, लैंडस्लाइड्स दोनों ही कारणों से होती है, बिल्कुल सही है। भूस्खलन तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में सबसे कम प्रभावी होती है, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अत्यधिक बारंबारता और प्रभावी क्षेत्र कौन सा होता है? ये तीव्र ढलान वाला क्षेत्र, ठीक। तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राज्यों की राजधानियाँ में ईटानगर है जो वो सबसे पूर्व है, तो सबसे पूर्व है जो वो है कोहिमा, ठीक, राजधानी कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय, पश्चिमी गुजरात में सूर्य उदय से लगभग 5 घंटा नहीं 2 घंटा है ना, 2 घंटे कैसे निकलता है ये तो पता है अपने को, कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। और दोनों का जो ईस्टर्न मोस्ट का और वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस है वो है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4 मिनट हो जाएगा 3×12 120 मिनट, ठीक, यानी कि 2 घंटे, ठीक, 2 घंटे आएगा यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा इसका, नहीं दोनों ही गलत है ना, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, शुक्र और यूरेनस ये हैं जो आपके पृथ्वी की घूर्णन दिशा में घूर्णन करते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं ना, विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ये वाला ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, बायोस्फीयर के जो विभिन्न स्तर हैं उनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा आपका जीव, फिर उसके बाद जीव से बनेगी जनसंख्या, फिर आएगी जनसंख्या पारिस्थितिकी इकोसिस्टम बन जाएगा, और फिर बनेगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। तो सब सही क्रम से ही लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मैंग्रोव निम्नलिखित में से कहाँ विकसित होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स के कोस्ट पर भी मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन के कोस्ट पर भी मिलेंगे, और आपके एस्चुरीज में भी मिलेंगे, और टाइडल क्रीक्स में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर आपको मैंग्रोव्स विकसित होते हुए दिखते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रवाल भित्तियाँ के विकास के लिए प्रकाशीय स्थितियाँ आवश्यक होती हैं, ठीक, तो ये भी सही है, और ये इसका सही कारण भी है, क्योंकि अधिक गहराई पर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश और जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाता है, ठीक, तो वो विकसित नहीं हो पाते प्रवाल, तो प्रवाल जो है वो कम गहराई पर पाए जाते हैं, और इनके विकास के लिए प्रकाशीय स्थितियाँ आवश्यक होती हैं, ठीक। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और सही जस्टिफाई भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन रामसर नामित आर्द्र भूमि स्थल जो है वो लद्दाख में है? देखिए, शोमरोरी झील लद्दाख में है, ठीक है, होकरा है जो, ये लद्दाख में नहीं, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। और आपका सोकार है जो अभी रिसेंटली 42nd रामसर साइट है ना, ये अभी रिसेंट हुई है, तो दोनों हैं लद्दाख में है, तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, तो ये गलत है, क्योंकि काफ़ी लाभदायक बैक्टीरिया है, क्योंकि ये है जो अलाइव बैक्टीरिया नेचुरली हमारी आंतों में पाए जाते हैं, ठीक है, और वैसे कहाँ मिलते हैं ये? दूध में, दही में, ठीक है, इन जगहों पर पाए जाते हैं, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पोटेशियम अधिकांशतः आयात किया जाता है, मतलब इम्पोर्ट किया जाता है, और पादपों में फल बनाने के चरण में भूमिका निभाता है, ये सही स्टेटमेंट है पोटेशियम के बारे में, ठीक है। और दूसरा देखिए, नाइट्रोजन है जो पादपों में पुष्पण में भूमिका निभाता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पुष्पण में भूमिका बेसिकली जो निभाते हैं वो है फॉस्फोरस, ठीक, और नाइट्रोजन के काम की अगर बात करें तो वो हरियाली और पादपों के विकास में भूमिका निभाने का काम करते हैं, ठीक, नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में
एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य किया गया है, तो विरंजक में किया गया, परमाणु विद्युत संयंत्र में किया गया, ठीक है। मध्यम स्तर के जो सेवा उद्योग है उससे इनको अलग रखा गया है, तो ये नहीं होगा, दूसरा और तीसरा होगा, यानी कि बी आंसर होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड मुख्यतः कहाँ मिलता है, हिमालयन रेंज में पाया जाता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और हिमाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु भी है, तो ये भी सही स्टेटमेंट, ठीक, तो दोनों ही सही हैं। सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में जो यूनेस्को के द्वारा टोटल 38 हैं जो वो मूर्त विश्व विरासत स्थल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जिसमें से 38 में से 30 हैं आपके सांस्कृतिक, 7 हैं आपके प्राकृतिक और 1 है मिश्रित, ठीक। और इसमें से 7 और 1 ये कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताने हैं, ठीक है। और सत्य वाला पूछा था, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य अपने राज्य के साथ सही सुमेलित है, नर्मदा वन्यजीव अभयारण्य है जो वो बिहार के साथ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल है ना, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये गलत हो गया। सत्यमंगलम तमिलनाडु सही है, लाखेरी घाटी आपका उड़ीसा में, ये भी सही है, ठीक, तो दूसरा और तीसरा सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक कार्बन क्रेडिट तुल्य माना जाता है, किसके बराबर माना जाता है, 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के, 50 किलो, 100 किलो या 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ये होता क्या है, कार्बन क्रेडिट, बेसिकली कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट होता है, ठीक है, जो धारकों को 1 टन कार्बन को जो वैश्विक तापन क्षमता होती है उसके बराबर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसका अधिकार देता है, ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जलवायु सम्मेलन में INDC इंड्यूस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था, पेरिस में किया गया था, जोहान्सबर्ग में किया गया था, रियो डी जेनेरियो समिट में किया गया था, तो ये किया गया था आपका पेरिस सम्मेलन 2015 में। अब ये है क्या INDC, ये है आपका प्रत्येक देश में मतलब अपनी मर्जी से कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या क्या लक्ष्य मतलब रखना है, कि हम इतना कम करेंगे, उत्सर्जन है जो वो हम कितना कम कर सकते हैं, दूसरा देश कितना कम कर सकते हैं, तो अपना जो गोल है वो खुद ही डिटरमाइन करना होता है इसमें, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो जिनमें भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता, ठीक, तो वो सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, और जब इसमें दोनों पता होते हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ये सभी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, एक समान वृत्तीय गति यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, बिल्कुल सही है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो आंसर दोनों ही सही हैं और ये सही कथन भी ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गति के दूसरे नियम का अनुप्रयोग है, पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उस पर जो फल लगे हैं उसका टूटना, तो ये तो फर्स्ट लॉ का हो गया, ठीक, ये नहीं होगा। दूसरा, क्रिकेट की गेंद को लपकने के लिए हाथों को पीछे करना, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ का, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर ढकेलना, ये आपका थर्ड लॉ हो गया, ठीक, तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप है जो वो 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और जो परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो यही है 273.15, ठीक, तो ये सही है। और जो केल्विन पैमाने पर इसको कितना देखा जाता है, 0 केल्विन, ठीक, तो ये भी सही है, तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह तरंगे जिसमें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि उनको क्या यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है, ठीक है, और जो वे तरंगे जिसमें संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती उनको हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक, तो ये दोनों ही यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक, तो दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल है जो सबसे अधिक होती है, एल्युमिनियम में, स्टील में, लोहा में या पीतल में, तो वो होती है एल्युमिनियम में, ठीक, हाँ, कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए मैक्सिमम एल्युमिनियम में होती है आंसर में, ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दोष है जो वो आंखों की वक्रता में सममिति में कमी, मतलब जो कॉर्निया है उसमें सिमिट्री में उसकी जब प्रॉब्लम आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, तो ऐसा किस बीमारी में करते हैं,
एस्टिगमेटिज में, फास्ट साइटेडनेस में, प्रेसबायोपिया में या शॉर्ट साइटेडनेस में? तो ऐसा करते हैं एस्टिगमेटिज में, यानी कि अबिंदुकता में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कई सोलर सेल से मिलकर के सोलर पैनल बनता है। बिल्कुल सही बात है। और सोलर सेल में विभिन्न फोटोवोल्टिक, ठीक है, फोटोवोल्टिक पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है, ये सारे नाम अलग से भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोवोल्टिक पदार्थ सोलर सेल में यूज होता है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम ये तीनों ही कई बार रिपीट होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? द्रव से और ऊर्जा से। ठीक, और ब्रह्मांड में वह सभी कुछ द्रव्यमान है जो स्थान घेरता है, ठीक है, उसे द्रव कहते हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जो ऊर्जा नहीं है वह द्रव, द्रव को क्या, मैटर है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए क्या यूज करते हैं? सब्लिमेशन से होता है, क्यूरिंग से होता है, डिस्टिलेशन से होता है, सभी से हो सकता है, तो होता है सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने का क्या प्रोसेस है? सब्लिमेशन से किया जाता है, क्यूरिंग से, डिस्टिलेशन से, सभी से, तो ये भी सब्लिमेशन से ही किया जाता है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, स्थिर अनुपात का नियम मतलब कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो ये किसने दिया था? लेवोजियर और प्राउस्ट ने, दोनों ने मिलकर दिया था, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक, तो और जो दूसरा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसका मतलब हुआ कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, मतलब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? दहन रासायनिक परिवर्तन है, और खाना पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जो गलना है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑक्सैलिक अम्ल काय में पाया जाता है, पालक में, टार्ट्रिक इमली में, और एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला में, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से खिड़की के कांच साफ करने के लिए किस स्क्रबर का यानी मार्जक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तो वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सभी क्षारक, ठीक है, जल में घुलनशील नहीं होते, सही स्टेटमेंट है, और जो घुलनशील होते हैं उन्हें बेसिकली क्षार कहा जाता है। ठीक, और इनका स्पर्श साबुन की तरह, स्वाद कड़वा होता है, और प्रकृति इनकी संक्षारक होती है। ठीक है, यानी कि कोरोजिव होती है इनकी प्रकृति, तो सत्य वाला इसमें बताना था, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला देखिए, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसका अनुपात कितना होता है, कित किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो एक तो देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि एक्वारेजिया में किस किस चीज़ को मिलाया जाता है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक, और ये रेशियो जो होता है वो होता है 3:1 के रेशियो में इन दोनों को मिलाया जाता है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधनियाँ पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव में से भरी होती है ना, सेल फ्लूड जिसमें कि भरा होता है, तो सही स्टेटमेंट है। और जंतु कोशिका में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रसधनियाँ पाई जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण थियोफ्रेटस को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो गलत हो गया क्योंकि एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, और थियोफ्रेटस ने वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगला देखिए, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते, सही है, और उनका श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, तो ये दोनों ही सही है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली है? स्टारफिश मछली नहीं होती है, एनिमल कैटेगरी की है, और डॉग फिश मछली है, अश्विन मछली है, हॉर्स फिश भी है ना, तो 2 और 3 इसमें आंसर होगा, बी आंसर होगा।
अगला देखिए, कीट में निम्नलिखित में से क्या क्या होता है? सिर होता है, वक्ष होता है और पेट होता है, ठीक है? तीनों ही चीजें कीट इसमें इंसेक्ट्स में डिफाइंड होती हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सही है। और क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है और वो एटीपी के रूप में संचित होती है, ठीक है? तो ये इसका सही रीजन भी है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक, सही है। और जंतु कोशिका में जंतु भित्ति नहीं पाई जाती लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो एक बार इस वाले पार्ट को पूरा आप पढ़िएगा और इसमें डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है? बहुमत दल का शासन, नहीं, ये उसकी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम की है, ठीक है। दोहरी कार्यपालिका, ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और सामूहिक उत्तरदायित्व तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, ठीक है। तो तीनों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम के हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर पूछा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विशेषताएं, ठीक। अगला देखिए, भारत का संविधान किन कारणों से फेडरल सिस्टम का प्रावधान करता है? तो देखिए, देश का एक तो आकार बहुत बड़ा है, ये है, और दूसरा यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उनके कारण, ठीक है। दोनों ही रीजंस फेडरल सिस्टम के लिए माने जाते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव माना जाता है? तो वो है आपका इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है जो वो ब्रिटेन से लिए गए हैं? तो देखिए, संविधान की सर्वोच्चता है जो, ये तो आपका यूएस से लिया गया है, ठीक। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये आपका जर्मनी से लिया गया है, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है जो, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रिटेन से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की समिति है जो अपने जो अध्यक्ष है उनके साथ सुमेलित है? देखिए, प्रांतीय संविधान समिति है जो, उसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक, तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय ध्वज झंडा कमेटी और तदर्थ कमेटी, इसके राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही हो गया। उसके बाद तीसरा है जो मूल अधिकार की उप समिति, ठीक, तो इसके HC मुखर्जी नहीं थे, ये थे JB कृपलानी, ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य और संतुलन, तो सही है। और न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये भी सही है। और विधि का शासन तो है ही है, ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैं जो प्रस्तावना में दिए गए हैं? तो तिथि दी गई है प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो मिल जाएगी, है ना, 26 नवंबर 1949। उसके बाद संविधान का उद्देश्य भी उसमें लिखा हुआ है, कौन सा है उद्देश्य? न्याय हो गया, ठीक है। उसके अलावा स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये सब क्या है, ये उद्देश्य हो गया, ठीक है। और उसके बाद भारतीय राज्य की प्रकृति, ये भी दिया गया है ना, ये क्या है प्रकृति? सोशलिस्ट, सॉवरेन सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक, ये इसकी प्रकृति हो गई। तो तीनों ही यहाँ मौजूद हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, है ना, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, संविधान का जो भाग एक है और उसमें अनुच्छेद से लेके 1 से 5 तक भारतीय संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 1 से 4 तक किया गया है, 5 में आपका फिर सिटीजनशिप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, ये कुछ कमेटीज हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान आई थी, तो उसमें सबसे पहले आई थी आपकी SK धर कमेटी, कब आई थी? जून 1948 में, ठीक है। और फिर आई थी JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, तो ये दिसंबर 1948 में आई थी। और उसके बाद आई फिर फजल अली कमेटी, वो आई थी दिसंबर 1953 में, ठीक,
तो ये तीनों का सही सीक्वेंस लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधा उपलब्ध है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 350 का, ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो व्यक्तिगत गतिविधियों के विरुद्ध उपलब्ध है, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं, और ये ऐसे राइट्स हैं जो संविधान में या फंडामेंटल राइट्स में तो शुरू से दिए गए हैं लेकिन आज भी उनका नेचर ऐसा नहीं है जो उनका पालन हो पा रहा हो, है ना, पूरी तरह से। देखिए, अनटचेबिलिटी आज भी विद्यमान है 17 में, ठीक, और ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, और 24 है जो चाइल्ड लेबर, वो भी आज भी विद्यमान है और ये भी है, ठीक है, 21 है जो वो स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक, तो 17 और 24 A1 and 2 ए आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो हुआ 1953 में वो हुआ बीपी मंडल की अध्यक्षता में, तो गलत है क्योंकि काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ था पहला वाला जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट, और जो 1989 में जो सेकंड हुआ था वो हुआ था आपका बीपी मंडल की अध्यक्षता में, ठीक है, तो इंटरचेंज है ये दोनों, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, एक भी और भी है, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक, तो सी आंसर हो जाएगा, तीसरा सही, बाकी ये दोनों गलत है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 39F में जोड़ा गया, 39A को भी जोड़ा गया, 43A को भी और 48A को, ठीक है, सभी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। आप कमेंट्स के माध्यम से आपको इनकी डिस्क्रिप्शंस बताने हैं कि किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, आर्टिकल 38 जिसमें राज्य से अपेक्षा है कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसरों की समानताओं को न्यूनतम करे, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था ये वाला पार्ट, ये आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd में या 44th में, तो वो जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ये पार्ट जोड़ा गया था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो देखिए मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे ही नहीं, ठीक है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े गए, ठीक है, और जब जोड़े गए तब 10 थे, ठीक, तो ये वाला हो गया गलत। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये वाली बात सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, राष्ट्रपति के जो चुनाव है उनमें संसद के सभी सदस्य वोट दे सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि केवल निर्वाचित सदस्य दे सकते हैं संसद के, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों में केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दोनों के कर सकते हैं, सत्य वाला इसमें पूछा था, तो ये भी गलत, दोनों गलत है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत न्यायालय अध्यादेश का पुनरावलोकन कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि पुनरावलोकन तो कर सकता है लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, ना कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या हुआ कि आज अगर कोई अध्यादेश लागू हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसको आज ही से लागू हो गया, उसको बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा, सही बात है, और यह अनुच्छेद 78 का उल्लंघन माना जाएगा, तो 78 का नहीं 74 का ही माना जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन, ए आंसर। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सही समय लेता है। संसद का गठन 79 में है, बिल्कुल सही है ना, राज्यसभा की संरचना 80 में है, ये भी सही, और संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसके बारे में अनुच्छेद 85 में लिखा है ना, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कुछ करंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया, रशिया, अमेरिका, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, तो वो है अमेरिका, ठीक, आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो ये उद्घाटन किया है हैदराबाद में, ठीक है। और अमेरिका और रशिया के बाद भारत ऐसा परीक्षण सुविधा वाला तीसरा देश बन गया, थर्ड कंट्री, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बी आंसर। अगला देखिए, अमेरिका स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नाम दिया? पेरेंट्स दिया, बिग ब्रदर दिया, गार्जियन दिया, या स्पेशल फोर्स दिया है? तो वो नाम है गार्जियन, ठीक, आंसर सी हो जाएगा सर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, खेल पंचायत ने यानी स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल ने रशिया को अगले 2 सालों के लिए, ठीक है, किसी भी बड़े खेल प्रतियोगिता में मेजबानी का दावा करने के लिए प्रतिबंधित किया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, वाडा ने क्या किया है? वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है जो, उसने 4 साल की पेशकश की थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अभी क्या है कि रशिया को नेक्स्ट 2 ओलंपिक और नेक्स्ट 2 साल तक किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम का, अपने ध्वज का और अपने राष्ट्रगान का, ठीक है, उपयोग करने से प्रतिबंध किया गया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, सही बात है। अगला देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को इस बात से के लिए शिक्षित करना कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलतः मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड जीता है? रॉबर्ट लोवार्डविस्की ने, लियोनेल मेसी, नेमार, या फिर लुका मॉड्रिच ने? तो वो जीता है आपका रॉबर्ट लोवार्डविस्की, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो चंद्रमा से नमूने लेकर के आया? तो हाल ही में अगर देखा जाए तो चांगी 5 चाइना का है जो, वो नमूने लेकर के आया है। इससे पहले यूएस का अपोलो ये भी ला चुका है, और लूना जो कि सोवियत संघ का है, ठीक है, ये भी ला चुका है, ठीक है। तो तीनों ही हैं जो यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, 2020 में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 5, 6, 7, 8? तो वो की गई है 7% की गिरावट, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? तो वो है आपका चाइना, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के नाम से बनाया है, सही स्टेटमेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन, पहले सीईओ कौन बने हैं? अनिल सोनी, जो कि भारत के हैं, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही हैं इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसमें कि क्या है कि जो भी अमीर लोग हैं उन पर 25 लाख से अधिक की संपत्ति है जिन पर, उन पर ये टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है, अर्जेंटीना को लेकर के, याद रखिएगा, ठीक। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मौजूदा संसद भवन की आधारशिला है जो, वो 12 फरवरी 1921, तो ये 12 फरवरी नहीं लेकिन 1921, याद रखिए। और इसका निर्माण 6 सालों में पूरा हुआ था, और इसका उद्घाटन है जो 1927 में, तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे जब, ठीक है। तो अभी मौजूदा वाली क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो नई संसद है उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। वो कौन सी योजना है जिसके तहत ये हो रहा है वो आपको कमेंट्स में बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, वर्ष 2020 में संसद की बैठकों की संख्या अब तक की सबसे कम रही है, ठीक है। कितनी हुई है वो सबसे कम? 33, ठीक, आंसर हो जाएगा बी, 33 थी जो इस साल सबसे कम 2020 में हुई। क्यों? क्योंकि कोरोना में सब स्थगित होता चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2014-18 की अवधि में देश में जो तेंदुओं की संख्या है वो 62.5% की वृद्धि हुई है उसमें, ठीक है। और दूसरा, अधिकतम तेंदुओं की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और कितनी है ये भी याद रखिएगा, 3421, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, बीच बीच में ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अनफेवरेबल कंडीशन में ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अगला देखिए, आयुष्मान भारत PMJAY सेहत, ठीक है, ये योजना किससे संबंधित है? रिसेंटली अभी लॉन्च की गई है, और किस राज्य में की गई है?
दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में या उत्तराखंड में, तो ये की गई है जम्मू एंड कश्मीर में। पहले ये बीपीएल वालों के लिए थी, ठीक है, तो पहले ये क्या सिर्फ 6 लाख लोगों को कवर कर रही थी और अभी 21 लाख लोगों को कवर करेगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक टॉप 100 में से शामिल है। ठीक है, भारत की 3 हैं जो शामिल हैं, उनके नाम हैं निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार और तीसरी आपकी किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे और आंसर हो जाएगा इसका डी। अच्छा, टॉप किसने किया है इसमें? एंजेला मर्केल ने। ठीक, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो वो पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला यूटी बन गया, दिल्ली चंडीगढ़ लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार? तो वो है आपका लक्षद्वीप, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, नोवाक जोकोविच है जो वो अपना नवा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता इन्होंने और ये 18वां ग्रैंड स्लैम था जो इन्होंने जीता था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अगला देखिए, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। ठीक, और राज्य के बजट को देखने के लिए एक ऐप बनाया गया है, क्या नाम है उस ऐप का? उत्तर प्रदेश सरकार का बजट। ठीक, इस ऐप को डाउनलोड करके बजट को देखा जा सकता है। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, रामनाथ कोविंद ने गुजरात के मोटेरा में, ठीक है याद रखिएगा, और दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, सही स्टेटमेंट है, और जो अभी तक था मेलबोर्न उसको इसने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, और उद्घाटन के दिन स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत के बीच एक गुलाबी गेंद यानी कि पिंक बॉल टेस्ट मैच भी खेला गया था। ठीक है, पिंक बॉल टेस्ट मैच, ये नाम भी याद रखें। ठीक, आंसर हो जाएगा इसमें इसका डी। अगला देखिए, H5N8 का पहला मामला है जो एक वर्ल्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन है और वो मनुष्यों में बताया गया, किस जगह बताया गया है? रूस में, ठीक है, अमेरिका में, चाइना में या ब्राजील में? तो वो बताया गया है आपका रशिया में, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हाल ही में विधानसभा चुनाव की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो देखिए, 5 जगह पे चुनाव होने हैं, स्टेट इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, ठीक है, तो वो आपके पुडुचेरी में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में और बंगाल, तो फेमस ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, सभी नाम याद रखें, डी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दी जिसके तहत खाद्य मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास दिया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर आंध्र प्रदेश? तो वो आंसर है आपका ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? नीति आयोग ने इस वेस्ट इंडिया और राष्ट्रीय बांस मिशन के साथ मिलकर के आयोजन किया है, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी कि डी। अगला देखिए, गुरु रविदास, मतलब अभी रिसेंटली रविदास जयंती बीती है तो क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, वह भारत से जाति व्यवस्था के उन्मूलन में अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं, सही बात है, और इनके जो समकालीन थे उनका नाम है कबीरदास और मीराबाई इनकी शिष्या कह सकते हैं, शिष्या थी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अमेजोनिया 1 मिशन है जो, ये निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? पीएसएलवी सी 51, 52, 53 या 54? तो वो किया गया पीएसएलवी सी 51 से, है ना। इस तरह के आयोग आजकल जो भी रिसेंटली लॉन्च किया जाता है उसको, उसके बारे में आयोग पूछ लेता है कि जीएसएलवी से या पीएसएलवी से किससे भी किया गया है, उसका नाम पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इसका पीएसएलवी सी 51। अगला, सरस आजीविका मेला है जो, ये पहले तो ये हाट कहाँ है? नोएडा में, है ना, तो यूपी से है, तो बन सकता है क्वेश्चन। सरस आजीविका मेला एक पहल है जिसके, जिससे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस डे एनआरएलएम, ठीक है, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, नम्मा कार्गो सेवाएं हैं जो, सर्विसेज हैं, ये किस राज्य की हैं? कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो ये है आपकी कर्नाटका की। ठीक, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, विज्ञान और पर्यावरण राज्य की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के केंद्र में के निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार करें। देखिए, जहां तक सतत विकास का सवाल है, भारत 192 देशों में से 117वें स्थान पर था। ठीक है, अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट जारी की है सेंटर फॉर साइंस एंड
एनवायरमेंट ने उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में जो तारापुर था वो सबसे प्रदूषित क्लस्टर रहा, ये भी सही है। और तीसरा आपका भारत की वायु जल और भूमि वर्ष 2009 और 2018 के बीच सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई है, ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, FATF की जो ब्लैक लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन से देश हैं, मोरक्को है, बुर्किना फासो है, सेनेगल है या फिर कैमन द्वीप समूह, ठीक है, तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे अभी रिसेंटली ग्रे लिस्ट में डाले गए हैं, ठीक है, और ब्लैक लिस्ट में सिर्फ दो हैं, एक है आपका नॉर्थ कोरिया और दूसरा है आपका ईरान, ठीक, ईरान, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, पीएम मोदी ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन कहाँ पे किया है, गुलमर्ग में, शिमला में, डलहौजी या धर्मशाला में, तो वो किया गया है गुलमर्ग में, आंसर ए। अगला देखिए, उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को ई फाइलिंग की सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को किस पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया, ई नाम क्या है उस पोर्टल का, नाम बताना है आपको, ई दृष्टि, ई शिकायत या फिर ई दाखिल, उसका नाम है ई दाखिल, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित बाल जनगणना को 2011 के अनुसार आरोही क्रम में लगाना था, देखिए हरियाणा की है आपकी 834, पंजाब की हो गई आपकी 846, दिल्ली की हो गई आपकी 871 और चंडीगढ़ की हो गई आपकी 880, ठीक है, तो सब लाइन से ही लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाना है, तो देखिए सबसे साक्षर केरल हो गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर गोवा हो गया और फिर त्रिपुरा हो गया, ठीक है, इनका कोड बना के इसको याद रखें, ये सीक्वेंस, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है 382, लिंगानुपात कितना है 943 और बाल लिंगानुपात 919, ठीक है, तीनों फिगर याद रखने हैं, आंसर हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, देखिए सबसे असाक्षर जिला वो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जो साक्षर है, मोस्ट लिटरेट है जो, वो है आपका सरछिप, ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, सरछिप की कितनी है, वो है 98.76%, ठीक है, ये साक्षरता है आपकी, आंसर बी। अगला देखिए, गरीबी आकलन समिति को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है, देखिए सबसे पहले आई आपकी अलग कमेटी, ठीक है, ये कब आई थी, ये आई थी 1979 में, फिर आई लखड़ा वाला कमेटी, ये आई 1993 में, फिर आई तेंदुलकर कमेटी 2009 में, और फिर आई लास्ट में रविराजन कमेटी 2012 में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, बेरोजगारी जाल, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, इसके बारे में कथन है, यह तकनीक में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है, नहीं, और यह एक ऐसी स्थिति है जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है, ठीक, तो ये वाला सही है, सत्य वाला आपको बताना था, आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू, बी आंसर। अगला देखिए, अपेक्षित कौशल की कमी और शिक्षा के खराब स्तर के कारण भारत में कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये किस टाइप की बेरोजगारी है, यहाँ पे स्किल की प्रॉब्लम है, या ये मान लीजिए कि जो रिक्वायरमेंट है वो स्किल की प्रॉब्लम है, और जो उनके पास स्किल है उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किस चीज़, क्या कैसी बेरोजगारी हुई है, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक, संरचनात्मक, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो ये हुई आपकी स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, सी आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका मौसपी, ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना श्रम बाजार विशेष रूप से 10वीं और 12वीं के जो ड्रॉप आउट्स हैं उन पर जो निवेश है उस पर ध्यान केंद्रित करेगी, सही है, और स्किल इंडिया मिशन में देश भर में बेरोजगार युवाओं को कम अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता शामिल है, ठीक है, तो दोनों ही ये जो स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जो फेमस स्कीम्स हैं जो भी आज तक पहले भी हो गई, जो रिसेंट वाली है वो तो करनी ही करनी है, इसके अलावा जो फेमस है, मोस्ट फेमस मनरेगा हो गई, नरेगा हो गई,
है ना, ये और इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, ठीक है, उसके बाद अगर ब्लैक बोर्ड योजना, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं उनमें कम से कम आपको टोटल अभी तक देखेंगे तो 20 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 20ों को एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि उनके एम क्या क्या है वो पता चल जाए, ताकि या तो मैच मैच में लाने को आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, या इनके सन वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं या क्रोनोलॉजी लगवाने को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा योजना आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 फरवरी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2006 से शुरू हो गई थी, ठीक है। 2005 का अधिनियम था और फिर 2006 से शुरू हो गई, तो ये सही स्टेटमेंट है। 11 फरवरी 2021 तक 708 जिले, ये थोड़ा सा याद रखिएगा ना, अभी रिसेंट का डेटा है ये, 708 जिले इसमें शामिल है, ठीक है। सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थायी विकास मानते सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स क्या क्या है ना, तो ये तीनों से मिलके चलता है आपका, एक एनवायरनमेंट, एक इकोनॉमी और एक आपका सोशल, ठीक। तो तीनों ही है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा डी। सतत विकास शब्द है जो सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था, 1974, 1978, 1980 या फिर 2005 में, तो वो आया था 1980 में जब IUCN की एक बैठक में इन्होंने वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाते समय इस वर्ड का यूज किया था, ठीक है। पर्यावरण संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं, जनसंख्या विस्फोट कारण है, आर्थिक गतिविधि में वृद्धि राइज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी है, और औद्योगिकरण होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बहुत तेजी से फैल रहा होता है तो भी पर्यावरण को संकट होता है ये भी है, और अर्बनाइजेशन तो है ही है, ठीक है। तो सारे ही हैं, आंसर डी। अगला देखिए, सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य आपको बताना है इसमें क्या क्या है। तो देखिए, पर्यावरण की समस्याओं को कम करने के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना सही है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना, ठीक है, मौजूदा पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है, दोनों ही इसके एम है या उद्देश्य है, सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर सी हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ या फिर अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।